अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान रामपुर में जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जल समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों को तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इससे पूर्व महेंद्र सिंह ठाकुर ने रामपुर प्रवास के दौरान जल शक्ति विभाग के 7,87,00,000 से अधिक राशि के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के प्रत्येक घर के नल में शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, जिसके लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बागवानी क्षेत्र में विश्व बैंक की परियोजनाएं सफल नहीं होंगी, लेकिन आज उससे आशा अनुरूप परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4000 फीट ऊंचाई से नीचे का क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल का 33% है, जहां बागवानी के नाम पर आज तक एक पैसा नहीं लगा है, वहां के लिए 1688 करोड़ का शिवा प्रोजेक्ट लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत रामपुर विधानसभा हल्के का बहुत बड़ा सेल्फ विभाग ने सरकार को प्रेषित किया है और उसे भी भारत सरकार को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो बागवान फेंसिंग के लिए स्टील स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार प्रावधान कर रही है। क्षेत्र के लिए जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, उसके जिसके बारे में अवधारणा फैलाई गई थी कि ये बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का 4000 फुट की ऊंचाई से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो 80% क्षेत्र है, वो 80% क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश का, जहाँ बागवानी के नाम पे आज तक एक पैसे का काम नहीं हुआ। हमने 1688 करोड़ का प्रोजेक्ट शिवा प्रोजेक्ट लाया हुआ है के लिए जो स्टील स्ट्रक्चर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टील स्ट्रक्चर जो है अपने बजट अभिभाषण में कहा है, उसके लिए बजट रखा हुआ है। जो बागवान स्टील स्ट्रक्चर लगाना चाहे उस पर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सब्सिडी जो है उसे कर दी है। सभी बागवानों से मेरा आग्रह है कि आप इस योजना का फायदा उठाएं। इसके अलावा सुनो, आप अभी एक हमारा एक फाइल दिखाना चाहते हैं, गैस से चलेगी, हर तो उसकी बनी हुई है, उस पर भी हमने अपने नॉन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक को कहा है कि आप इस पर सर्च करो, आप इस पर ट्रायल करो, अगर वो ट्रायल हमारा पास हो गया, हमारा भारतवर्ष का तैयार किया हुआ माल जो है हम विदेशों से टेल कर नहीं लाएंगे, भारतवर्ष का तैयार किया हुआ माल जो है वो 10 से 15 लाख रुपया एक गन पड़ेगी। विकास की गति को तेजी से आगे ले जाए, प्रदेश सरकार में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में 5 बार के विधायक, 2-1 बार के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न नई नई विकासात्मक योजना जो है वो तो भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार और एक मंत्री के रूप में और मेरे विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी जो इंजीनियर हैं वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है इसमें करें। ये तो आप